असलकुम ओके um, okay, जी दो मिनट तक वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ओके okay? जी वालेकुम अस्सलाम। दो मिनट तक वेट कर लें अस्सलाम। दो मिनट तक वेट कर लें फिर स्टार्ट करते हैं काइंडली जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, आप प्लीज़ अपने अपने माइक्स जो हैं, वो म्यूट कर लें आ, कोई बात हो तो ज़रूर तब आप पूछ सकते हैं और दो मिनट तक हम इंतज़ार करते हैं ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर लें रीज़न बिकॉज कि अभी तक सिर्फ नौ लोगों ने ज्वाइन किया है ओके जी अस्सलाम वालेकुम हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा चैप्टर नंबर थ्री है जो कि हमने स्टार्ट करना है आ, लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो ओएसआई मॉडल था जिसमें दो डिवाइसेस कोई भी हो कंप्यूटर या मोबाइल उनको आपस में कनेक्ट करके किस तरह से वो आपस में मैसेजिंग या कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से डेटा एक लेयर से दूसरी तारी, से तीसरी से चौथी पाँचवीं छठी सातवीं तो लेयर तक होके और दूसरी डिवाइस तक पहुंचता है और वो कैसे फिर उसको रिवर्स करके दोबारा से मैसेज अगले यूज़र को शो करवाता है तो सो ओ एस आई मॉडल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको अगेन बता दूं कि आप लोगों का जो टी टी थ्री का टेस्ट है मंडे वाले दिन फोटीन दिसंबर को उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन है वो ओ एस आई मॉडल से ही आएगा चाहे वो सी क्यूज़ हों चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हों या लॉन्ग क्वेश्चन हों तो आप लोगों ने उसकी जो तैयारी है वो अच्छे से कर लेनी है आ, इसके अलावा चैप्टर थ्री में सिर्फ हमारे सिक्स टॉपिक्स हैं सो so, हमारे पास आज का दिन कल और परसों का दिन है तो दो दो टॉपिक्स भी हम करेंगे छोटे से टॉपिक्स हैं जल्दी हो जाएंगे आ, ये तीन दिनों में हमने छः टॉपिक्स करने हैं चूँकि ये टॉपिक्स इतने बड़े नहीं हैं तो इसलिए हम इनशाला ये कवर कर लेंगे और फिर आपके पास संडे का दिन होगा जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं पी टी थ्री के लिए आप लोगों ने सब ने कोशिश करनी है कि तैयारी आपकी परफेक्ट हो अगर आप में से किसी का कोई लेक्चर जो है वो मिसिंग है तो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं ओल्ड रिकॉर्डिंग्स वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपको पिछला कोई भी लेक्चर सुनना है और अगर आपको टीम्स में से लिंक नहीं मिल रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें मैं वहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ So, उसके बाद जो अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसमें आई थिंक सो आप लोगों ने पहले एक दो टॉपिक्स पढ़े हुए भी, भी हैं लेकिन उसको हम स्टिल रिपीट करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने केस अगर उनको मिस कर दिया है तो नया चैप्टर हमारे पास है डेटा कम्युनिकेशन के बारे में सो वाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन देखें अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि डेटा किस तरह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाता है लेकिन डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो हमने नहीं पढ़ी हैं चीज़ों से मेरा मुराद है हार्डवेयर तो हम अब उसकी तरफ जाने लगे हैं कि वो हार्डवेयर कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो कैसे काम करती हैं मैं आपको एक, एक, एक दे देता हूं अगर आप किसी भी जगह लेट्स से स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं किसी गेम के लिए जाते हैं आ, टेबल टेनिस के लिए जाते हैं तो वहाँ पे टेबल टेनिस के रूल्स तो एक अलग चीज़ है कि आपको पता हो लेकिन अगर आपके पास वो टेबल टेनिस खेलने के लिए आ, आ, कोई टेबल ही नहीं है आपके पास वो सारी चीज़ें ही नहीं है आपके पास फॉर एग्जांपल वो नेट ही नहीं है तो वो किस तरह से आप जो है वो खेलेंगे वहाँ पर तो आपके पास हार्डवेयर का होना या एक्चुअल गुड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेम एज़ अगर आपके पास क्लास अटेंड करने जा रहे हैं ठीक है आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो सुनाई दे जाएंगी आप लोग उनको सुन लोगे लेकिन अगर आपके पास बुक और नोटबुक नहीं है अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो वहाँ पे आप नोट्स कैसे बनाएंगे तो आपके पास हार्डवेयर का होना बड़ा जरूरी है तो इसी तरह से अगर आप कोई सी भी दो डिवाइस हैं और उन दो डिवाइस के बीच में अगर आप कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हो तो वो जो दोनों डिवाइस हैं उन दोनों डिवाइस के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका होना ज़रूरी है पहले नंबर पर तो आप ये समझ लें कि जो बंदा डेटा भेजना जा रहा है उसका होना खुद बजात खुद होना बहुत ज़रूरी है और दूसरे नंबर पे जो बंदा डेटा रिसीव करने जा रहा है या जिसको आप डेटा भेज रहे हो उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेंडर और रिसीवर तो होना पहले नंबर पे शर्त है अगर कोई डेटा भेजने वाला ही नहीं होगा तो डेटा कैसे जाएगा सो सेंडर एंड रिसीवर ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं डेटा कम्युनिकेशन के उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका एक्चुअल मैसेज है कि आपने भेजना क्या है आप खुद सेंडर हो अगर तो आप कौन सा मैसेज जो है वो रिसीवर को भेजना चाह रहे हो तो मैसेज बजाते खुद होगा तो हो जाएगा अगर आप दोनों बैठे हुए हैं सेंडर भी है और रिसीवर भी है लेकिन आपके पास कोई भेजने लायक मैसेज ही नहीं है तो डेटा कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं सकती ठीक है सो so, ये तीन तो हमारे पास बड़े मेजर पार्ट्स हैं अब बात यह आती है कि इनके अलावा भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि ज़रूरी हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखें सिर्फ दो चीज़ें और हैं एक चीज़ तो यह है कि आप जहरी बात है मोबाइल आपके पास एक ये है और एक आपके पास ये मोबाइल है अब ये डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान में कोई तार तो है नहीं या इसी तरह से अगर आपके पास एक कंप्यूटर एक कंट्री में पड़ा हुआ है दूसरा कंप्यूटर दूसरी कंट्री में पड़ा हुआ है किसी और बरअज़म में पड़ा हुआ है तो वो फिज़िकली तो कनेक्ट नहीं है आपस में उनके पास कोई तार नहीं है जिसके ज़रिए से वो मैसेज भेज सकें जैसे कि पुराने फ़ोन चलते थे लैंड क्योंकि वो सारा सिस्टम तारों पे था तो उसमें ये है कि अगर आपके पास बिजली नहीं भी होती थी तब भी आप कॉल मिला सकते थे या अगर आपके पास लेथ से बाकी सारी नशरियात डाउन है तो लैंड चल रहा होता था सो क्यों क्योंकि उनमें तारों का सिस्टम था वो हर फ़ोन जो है वो तार के जरिए एक्सचेंज से कनेक्टेड था और एक्सचेंज वाले तारों के जरिए बाकी फोन्स के साथ कनेक्टेड थे तो वो फिर आराम से आप जो है वो बातचीत कर सकते थे क्योंकि फ़िज़िकल मीडियम मौजूद था वालेकुम अस्सलाम क्योंकि फ़िज़िकल मीडियम मौजूद था अब फ़िज़िकल मीडियम से मुराद यहाँ पे तार है लेकिन जब हम दो कंप्यूटर्स की बात करते हैं दो डिवाइसिस की बात करते हैं जो कि तार से कनेक्टेड नहीं है तो उसके लिए हमें क्या पता चलेगा कि यार वो मैसेज जो हम भेजना चाह रहे हैं वो इस मोबाइल से इस मोबाइल तक या इस डिवाइस से इस डिवाइस तक कैसे जाएगा देखें उसके लिए हमारे पास आ, एक मीडियम है जिसको हम कहते हैं वेव्स ठीक है अब वेव्स जो हैं वो बेसिकली वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई भी आप उसको कह लो आप मोबाइल का जो नेटवर्क है वो भी है तो ये जो वेव्स हैं इनके थ्रू आप जो है वो भेजते हो मैसेज तो जो आपका मैसेज है जब वो वेव्स पे जाता है तो इन वेव्स को हम अपने लिए मीडियम समझते हैं मीडियम का मतलब होता है जरिया या वास्ता तो मीडियम हमारे पास वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आप मैसेज भेज सकते हो अगर मीडियम नहीं होगा यू कैन नॉट सेंड मैसेज ठीक है जैसे कि अगर आपको एक छोटा सा फन फैक्ट बताता चलूँ इन स्पेस यू कैन नॉट टॉक टू ईच अदर लाइक अगर आप मिसाल के तौर पर आमने सामने भी हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जहाँ पे खलाबाज रहते हैं और वहाँ पे उनको हेलमेट पहनने और वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन तो है बट ग्रेविटी नहीं है तो जब वो वहाँ पर रहते हैं तो अगर वो थोड़ा सा फासला हो उनके बीच में यानी कि एक एक कोने में हो वो नज़र आ रहे हो एक दूसरे को उसके बावजूद वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे स्पेस में दरमियान में मीडियम नहीं है उनको ट्रांसमीटर लगाना पड़ता है उनको एक वो रेडियो फ्रीकुनसी पे बात करनी पड़ती है तो फ्रीकवेंसी वेव्स ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा सेम एज़ इट इज़ जब आपने दो कंप्यूटर्स या दो मोबाइल्स में भी मैसेज शेयर करना है तो वो भी किसी मीडियम के थ्रू जाएगा और वो मीडियम यहाँ पे हमारे पास वेव्स हैं चाहे वो किसी भी तरह की हों डिजिटल हों एनालॉग हों वो हम बाद में पढ़ेंगे सो so, ये हमारे पास हो गई चौथी चीज़ मीडियम तीसरी चीज़ हमारे पास क्या थी मैसेज पहले नंबर पर तो आपको पता है कि सेंडर है दूसरे नंबर पर रिसीवर है और पाँचवीं चीज़ है इनकोडर एंड डी कोडर अच्छा ये इनकोडर एंड डी कोडर क्या चीज़ है ये भी आपको बता देता हूँ डिटेल से uh, होता इस तरह से है कि हमारे पास जो मैसेज हैं वो कभी भी इस तरह से नहीं होता कि जिस फॉर्म में हम भेजना चाह रहे हैं उसी फॉर्म के अंदर वो अगले बंदे को मिल जाएं मिसाल आपको देता हूँ आपने लिखा हाय ये आपने लिख के और मैसेज भेजना है ठीक है अब ये जो हाय आपने लिखा है अब आपको क्या लगता है कि जो हवा की लहरें हैं उन पे इस तरह से लफ्ज़ एच उड़ता हुआ जा रहा होगा और वो अगले बंदे को मिल जाएगा सो इस तरह से कभी भी नहीं होता क्योंकि जो वेव्स हैं उनके अंदर सिर्फ आप सिग्नल्स भेज सकते हो और वो सिग्नल्स जो हैं वो इस तरह से होते हैं ठीक है ठीके? वो सिग्नल्स इस तरह से आप भेज सकते हो अब ये जो सिग्नल्स हैं इनसे इनको देख के नहीं पता चलता कि इसमें कौन सा लफ्ज़ आ रहा है कौन सा लफ्ज जा रहा है वगैरह वगैरह तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि डेफिनेटली जब हम कोई भी मैसेज भेजने लगते हैं तो सबसे पहले उस मैसेज को हम करते हैं इनकोड अब इन कोड से यहाँ पे क्या मुराद है इनकोडिंग से मुराद ये है कि उसको हम सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं अब चूंकि यहाँ पे उसकी डिटेल नहीं है तो इसीलिए जो है वो हम डिटेल uh, उसकी नहीं पढ़ेंगे uh, लेकिन इनकोड से मतलब यही होता है कि आप जो है वो उसको इनकोड uh, uh, करते हैं एट अ सेकेंड ओके सो इनकोड से मतलब ये होता है कि हमने उसको भेजना इस फॉर्म में है ताकि वो वेव्स के लिए एक्सेप्टेबल हो जब वो मैसेज अगले मोबाइल को मिलेगा तो वहाँ पे सबसे पहले उसको किया जाएगा डी कोड डी कोड का मतलब ये है कि अब वो सिग्नल्स की फॉर्म में आ रहा था हमें तो मोबाइल पर सिग्नल्स नहीं दिखाने हमें मैसेज दिखाना है तो हम उसको वापस सिग्नल्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे हाई हम शो कर देंगे सो इनकोड एंड डी कोड ये दो चीज़ें हैं जो कि एक ही इकट्ठा ही हम इसको लेते हैं ये दो अलग अलग नहीं है इनकोडिंग एंड डी कोडिंग सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पाँचवा आस्पेक्ट्स हैं पाँचवा आप समझ लें एक हार्डवेयर का आइटम है या जो भी कह लें जिसको ज़रूरी है होना तब हमारी ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन हो सकती है ठीक है सो so, ये हमारे पास था कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास ज़रूरी हैं सो डेटा कम्युनिकेशन के लिए नंबर वन मैसेज का होना सॉरी सेंडर का होना नंबर टू रिसीवर खुद भी होना चाहिए जो बंदा रिसीव करता है या जो बंदा रिसीव करता है उसको एक और नाम भी हम देते हैं उसको हम सिंक भी कहते हैं ठीक है सिंक जैसे कि आपने किचन में भी सिंक देखा होगा जब आप उसमें टैप खोलते हो पानी खोलते हो तो पानी सिंक में जाता है ठीक है तो सिंक जो है वो एक किस्म का रिसीवर है जो पानी को रिसीव कर रहा है सो इट्स अ सेम टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है उसको हम सोर्स भी कहते हैं ट्रांसमीटर भी कहते हैं क्योंकि वो ट्रांसमिट कर रहा है भेज रहा है रिसीवर जो है उसको हम सिंक भी कहते हैं क्योंकि वो रिसीव कर रहा है मैसेज को फिर आता है मैसेज एक्चुअल मैसेज चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो पिक्चर हो चाहे वो साउंड हो चाहे वो वीडियो क्लिप हो कोई भी चीज़ आप भेजना चाह रहे हो किसी भी बंदे को तो वो जो मैसेज है बजाते है, खुद वो भी होना जरूरी है फिर आता है मीडियम मीडियम हमारे पास वो चीज़ है जिसके थ्रू हमारे पास मैसेज पहुँचता है अगले बंदे तक चाहे वो केबल्स हों या वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स हों यानी कि सिग्नल हों तो चाहे वो हम वायरलेस भेजें या वायर के थ्रू भेजें मीडियम का होना ज़रूरी है पांचवी चीज़ है इन कोडर एंड डी कोडर अब इन कोडर और डी कोडर क्या है जो कि हमारे मैसेजेस को चाहे वो वीडियो है हम कोई तस्वीर भेज रहे हैं हम कोई ऑडियो क्लिप भेज रहे हैं कोई म्यूज़िक की फाइल भेज रहे हैं फॉर uh, एग्ज़ाम्पल uh, हमने किसी uh, जगह पर जाके कोई वीडियो रिकॉर्ड की और वो किसी को भेजना चाह रहे हैं तो वो वीडियो हमें पहले डी कोड करनी पड़ेगी डी कोड सॉरी इन कोड और डी कोड करनी पड़ेगी भेजने से पहले इन कोड और जब पहुंच जाएगी तो डी कोड उसके बाद ही वो हमें मिल सकती है इनकोडिंग डी कोडिंग का सादा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी जो म, हमारा जो मैसेज है उसको हम उसको हम uh, मैसेज को हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स में ताकि वो ट्रैवल कर सके मीडियम के थ्रू Uh, ये हमारा पहला टॉपिक था और इस टॉपिक का नाम था वट इज़ डेटा कम्युनिकेशन डेटा कम्युनिकेशन है क्या एंड एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क और कम्युनिकेट करने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो डिस्कस किए जाएं सो so, uh, ये हमारे पास जो है वो बेसिक बेसिक बातें थी कि कौन कौन सी चीज़ें होना जो है वो हमारे पास ज़रूरी है ताकि हम दो डिवाइसेस के अंदर कम्युनिकेट करा सकें मैं इनको लिस्ट आउट कर देता हूँ इवन दो इट्स अ सिंपल टॉपिक लेकिन फिर भी देखें मैसेज बजाते खुद होगा तो जाएगा दूसरे नंबर पे सेंडर भेजने वाला कोई बंदा होगा तो मैसेज भेज सकेगा तीसरे नंबर पे रिसीवर आगे से कोई बंदा वसूल करने के लिए बैठा होगा तो मैसेज पहुंचेगा चौथे नंबर पे मीडियम आपके दोनों मोबाइल्स या दोनों कंप्यूटर के दरमियान में कोई बीच में वास्ता होना चाहिए चाहे वो केबल्स हों यानी कि फ़िज़िकल तारें हों या फिर वायरलेस आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है लेकिन बीच में कोई मीडियम होना ज़रूरी है और पाँचवें नंबर पे है उसकी इनकोडिंग एंड डी क्योंकि डायरेक्ट मैसेज तारों के अंदर से नहीं जा सकता कभी इस तरह से नहीं होता कि आपने कोई वीडियो क्लिप भेजा और वीडियो क्लिप तार के अंदर से एज़ ए वीडियो जा रही है वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर जाती है तो सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इनकोडिंग एंड डी हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है सो so, ये हमारे पास पहला टॉपिक था नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि सिग्नल्स क्या होते हैं ठीक है uh, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि इनकोडिंग और डी कोडिंग uh, डी होती है जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं सो so, ये इनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या बला है यानी कि सिग्नल्स में क्यों कन्वर्ट करना और ये सारा कुछ uh, इसको अगल, अगला अगला टॉपिक हमारे पास ये है तो टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ सिग्नल्स एंड डिस्कस इस डिफरेंट फॉर्म सिग्नल क्या होते हैं और उनकी डिफरेंट फॉर्म जो है उसको हमने डिस्कस करना है So, uh, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिग्नल्स देखिए दो तरह के सिग्नल हैं हमारे पास एक हमारे पास है डिजिटल और एक हमारे पास है एनालॉग पहले आपको मैं इनकी थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क है लेट्स uh, से uh, जब हम कंप्यूटर की दुनिया में बात कर रहे होते हैं यानी सिर्फ कंप्यूटर के अंदर की बात कर रहे होते हैं तो सब कुछ डिजिटल है डिजिटल का मतलब है आइदर इट्स ऑन आइदर इट्स ऑफ यानी कि या तो कोई चीज़ ऑन है या तो कोई चीज़ ऑफ है दरमियान में कोई चीज़ नहीं है इट्स को कहते हैं डिजिटल यानी जिसमें आपको यकीन हो कि जो चीज़ हम देख रहे हैं या तो वो सही है या वो गलत है या वो ऑन है या वो ऑफ है या वो वन है या वो ज़ीरो है यानी इसके अलावा कोई चीज़ आपको बीच में कोई शक ना हो इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स लेकिन हम जब एनालॉग की बात करते हैं तो एनालॉग में हमारे पास मसला ये है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी हमारे पास सिग्नल होता है और बिलो भी सिग्नल होता है तो ये जो सिग्नल हमारे पास है इसको हम कहते हैं एनालॉग अब इसमें एक प्रॉब्लम है चलें यह मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ से ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है ये ज़ीरो है ये मान लिया हमने लेकिन अब एक प्रॉब्लम है इसकी जो पीक होगी सिग्नल की जो बिल्कुल चोटी है उसको हम वन मान लेते हैं अब मसला यह है कि दरमियान में ये इतनी सारी जगह है यहाँ पे तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है ये जो मैं ब्लू कलर से ये निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू हो सकती है हो सकता है ये जो पहला निशान है यहाँ पे वैल्यू हो जीरो पॉइंट वन अगले पे हो ज़ीरो पॉइंट टू तो यहाँ पे हमें यकीन नहीं है कि हमारे पास वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या तो इसमें हमारे पास वो सही गलत ऑन ऑफ ज़ीरो वन वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्यों इसमें सिग्नल मूव कर रहा है उसकी किस टाइम पे कभी क्या वैल्यूज़ होती हैं कभी क्या वैल्यूज़ होती हैं पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो हम आ, यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि अभी उसकी क्या वैल्यू होगी वो हमें बाकायदा तौर पे फार्मूला लगा के मैय करनी पड़ती है अब इन दोनों चीज़ों पे कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास चलती हैं यानी डिजिटल सिग्नल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और एनी सिग्नल कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल सिग्नल हमारे पास इस्तेमाल होता है तमाम किस्म की डिवाइस में चाहे वो मोबाइल डिवाइस हों चाहे वो कंप्यूटर्स हों या कोई भी इस तरह का आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें डिजिटल सिग्नल इस्तेमाल होता है मिसाल दे रहा हूँ अगर आपके पास ये एक तस्वीर है ठीक है ये आपने एक सीनरी जो है वो मोबाइल की गैलरी में सेव की हुई है तो ये सीनरी जो है ये कम्प्यूटर के अंदर ज़ीरो वन वन जीरो जीरो वन इस तरह की फॉर्म में सेव हो जाएगी ठीक है इस तरह की फॉर्म में सेव होने से मेरा मतलब यह है कि जब आप इसको भेजोगे आ, अपने आ, इंटरनेट से डाउनलोड करके मोबाइल के अंदर तो ये बेसिकली इस फॉर्म में आपके पास आएगी लेकिन नज़र आपको ऐसी आ रही होगी क्योंकि वो आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल जो है वो इसको प्रोसेस करता है प्रोसेस करके आपको दिखाता है कंप्यूटर को ये वाली चीज़ समझ आती है लेकिन वो आपको दिखाइए रहा होता है क्योंकि उसको वो समझ आता है और आपको तस्वीर समझ आती है सो so, ये डिवाइस और कंप्यूटर में यूज़ होती है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है या जो डिजिटल सिग्नल है ठीक है जो एनालॉग है एनालॉग हमारे पास इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन के लिए आ, उसकी एग्जांपल अभी मैंने आपको ऊपर दी है दोबारा से मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आपके पास दो मोबाइल्स आपस में कम्युनिकेट करने जा रहे हों तो वो जब मैसेज भेजते हैं तो वो आपके पास सिग्नल की फॉर्म में या एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में अगले मोबाइल तक पहुँचता है क्यों क्योंकि जो नेटवर्क हमारे पास मोबाइल का आ रहा है टेलिनोर जैज यूफोन जोंग ये सारे जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं ना ये सिग्नल्स जो हमारे मोबाइल पे शो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल हैं सो so, अगर हम इनके नेटवर्क को यूज़ करते हुए कोई एक मैसेज या कोई एक तस्वीर या कोई वीडियो किसी दूसरे को भेज रहे हैं तो वो वीडियो या मैसेज जो हमारे पास है वो एनालॉग सिग्नल के थ्रू ही जाएगा आ, वो डिजिटल कन्वर्जन तो उसकी मोबाइल के अंदर होगी लेकिन जाएगा वो एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू सो यहाँ पे हमारे पास एनालॉग सिग्नल इस्तेमाल होते हैं अब आपकी किताब के अंदर जो डिजिटल और एनालॉग में चीज़ें बताई गई हैं उनको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या है? देखें जो डिजिटल सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल हमारे पास बड़ा आसान है डिजिटल सिग्नल में या तो हमारे पास वैल्यूज़ ऑन होती हैं यानी कि वन होती हैं और या हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो ऑफ होती हैं ऑफ का मतलब है जीरो इसी तरह से फिर वैल्यूज़ ऑन होती हैं और उसके बाद फिर वैल्यूज़ ऑफ इसी तरह से फिर वैल्यूज़ ऑन एंड ऑफ तो दैट्स इट इसको हम इतना ही समझते हैं ये डिजिटल सिग्नल है यानी इसमें जो ऊंचाई है या जो पीक है उसको वन कहते हैं और जो हमारे पास खाई सी है या जो गहराई है उसको हम ज़ीरो कहते हैं तो दैट्स इट ये बिल्कुल सिंपल है इस सिग्नल को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल इसके बरक्स जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है जो एनालॉग सिग्नल है वो इस तरह से होता है कि उसमें हमारे पास वेव्स की शक्ल में डेटा आता है लहरों की शक्ल में डेटा आता है सो so, ये जो लहरें हैं ये ये जो वेव्स हैं इनमें मुख्तलिफ चीजें हैं पहली चीज तो ये है कि जो आपके पास वेव्स या लहर की ऊंचाई होती है ये ऊंचाई हमारे पास कहलाती है एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का अंग्रेजी तर्जमा जो है वो बनेगा भी यही ऊंचाई या किसी भी चीज़ की जो एक हाइट होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं दूसरी चीज जो एनालॉग सिग्नल में होती है जो इसमें डिफ्रेंशिएट करती है कि कौन सा सिग्नल क्या लेके जा रहा है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि दो ऊंचाइयों के दरमियान का जो फासला है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं कोई सी भी दो ऊंचाइयों के दरमियान का फासला फ्रीक्वेंसी कहलाता है और याद रखें एक सिग्नल में फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होती है मीन्स कि अगर आपके पास एक सिग्नल है जो कि इस तरह से है ठीक है ये लाइन है और ये आपके पास एक सिग्नल है सॉरी वन सेकेंड मेरा वाइट बोर्ड रिस्पॉन्सिव नहीं है हाँ हो गया ओके सो अगर आपके पास एक सिग्नल है और उसके अंदर आपके पास ये मल्टीपल uh, जो है वो वेव्स हैं तो हर दो वेव्स के दरमियान का जो फासला होगा वो सेम होगा और इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं ठीक है सो एनालॉग सिग्नल अब आपको मैं थोड़ा सा ये समझाता हूँ कि एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी को चेंज करके हम किस तरह से सिग्नल बदलते हैं और किस तरह डेटा पहुँचाते हैं ये किताब में इतनी डिटेल में नहीं है जस्ट आपको समझाने के लिए ताकि आपको एनालॉग सिग्नल की समझ आ जाए एनालॉग सिग्नल किताब में इतना ही है कि जो ऊंचाई होती है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और दो ऊंचाइयों के दरमियान का फासला फ्रीक्वेंसी कहलाता है दैट्स इट इतना ही है आपकी किताब में एनालॉग सिग्नल के बारे में आ, लेकिन आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ देखें रेडियो पे आ, हम रेडियो स्टेशन सुनते हैं लाइक एफ एम वन हंड्रेड अब एफ़ एम वन हंड्रेड हम रेडियो पे सुन रहे हैं ठीक है सो एफ़ एम वन हंड्रेड की जो वेव्स हैं ना वो कुछ इस तरह से होती हैं यानी कि उसके अंदर ये हमारे पास एक वेव आएगी एक आ, हमें आवाज़ आ रही है उसके बाद नशरियात में ब्रेक आएगी अब उन्होंने म्यूज़िक चला दिया तो यहाँ पे हमारे पास बोलना ख़त्म और म्यूज़िक शुरू जब म्यूज़िक शुरू होगा तो उस वेव के अंदर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इस तरह से हो जाएगी मिसाल दे रहा हूं ठीक है उसकी ऊंचाई हमेशा बराबर रहेगी ऊंचाई हमेशा पूरी वेव की बराबर है सिर्फ उनके दरमियान का फासला चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है लेकिन अगर आप दूसरा रेडियो लगाएं जैसे ए एम है ए एम में क्या होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पर बोल रहे थे तो बोलने के दौरान आपकी जो आ, क्या कहते हैं ऊंचाई है वो इस तरह से मिसाल के तौर पे शो हो रही है लेकिन जब आप सॉन्ग लगाएंगे तो यहां पे अब आपने सॉन्ग लगा दिया रेडियो पे तो उसकी ऊंचाई जो है वो बाजुकात ये इस तरह से अजीब अजीब होना शुरू हो जाएगी उसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहती है यानी कि सिर्फ ऊंचाई वगैरह जो है ये चेंज हो रही होती है तो इस तरह से सिग्नल्स को चेंज करके सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड है ऊंचाई है इनकी जो वेव्स की है ऊंचाई चेंज करके या इनकी जो फ्रीक्वेंसी है आपस में इनका जो गैप है सिग्नल्स का वो चेंज करके हम डिफरेंट आवाज़ें डिफरेंट मैसेजेस डिफरेंट डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं दो डिवाइसिस के बीच में सो इट्स वेरी सिंपल ये एनोलॉक सिग्नल का यूज़ है हमारे पास रियल लाइफ के अंदर इसके अलावा एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ जो कि आपको जल्दी शायद समझ आ जाए हमारे पास दो किस्म के इंटरनेट के ज़रिए है ना या तो हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं या फिर हम मोबाइल का नेट इस्तेमाल करते हैं जिसको आप डेटा कहते हो डेटा नेटवर्क सो so, जो वाईफाई है उसकी जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज होती हैं तेज़ कैसे होती हैं यानी उनकी जो आ, मैं आपको स्पीड बता दूं, या उसको कहते तो फ्रीक्वेंसी हैं लेकिन आपको मैं एक जर्नल टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ कि वाईफाई ऑपरेट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे 2.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब यह है एक सेकेंड के अंदर दो अशार दो अशारिया चार आ, गीगा मतलब टेन की पावर नाइन यानी कि 2.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर नाइन इतनी मरतबा उसके जो है ना ये सिरे बनते हैं एक सेकेंड के अंदर आ, आपको मैं जल्दी से इसकी थोड़ी सी डिमॉन्सट्रेशन दे देता हूँ होता इस तरह से है कि आपके पास जो वाई फाई है मिसाल के तौर पर उसकी स्पीड है टू पॉइंट फोर हर्ट्स ठीक है ये वाई फाई की नॉर्मल स्पीड होती है जो घरों में वाई फाई होता है सो इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड के अंदर जो उसके सिग्नल बनेंगे ना वो जो इस तरह से ये सिग्नल बनते हैं ठीक है एक सेकेंड के अंदर इस तरह के आपके पास दो 2.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन रेज टू पावर नाइन इतने सिरे बनेंगे तो इतना वो डेंस होता है सिग्नल जबकि जो आम हमारे पास मोबाइल पे सिग्नल आ रहे हैं किसी भी आ, सिम कंपनी के जोंग के यूफोन के जैज़ के उनकी जो स्पीड होती है वो होती है नॉर्मली नौ सौ से लेकर और इक्कीस सौ मेगा हर्ट्स तक ये हमारे पास ये सादे जो मोबाइल के सिग्नल होते हैं तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मोबाइल के सिग्नल जो हैं वो मेगा हर्ट्स में हैं वाईफाई के सिग्नल जो हैं वो गीघाहट्स में पाए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद वाईफाई की रेंज कम है वो जहरी बात है सिग्नल में पावर नहीं होती जितना वो कंप्रेस हो जाता है वो एक अगली बात है लेकिन एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि एनालॉग सिग्नल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं सो so, ये हमारे आज के दो टॉपिक थे आ, नंबर वन पे हमारे पास था कि किस तरह से हम जो है वो यूज़ करते हैं डेटा कम्युनिकेशन और हमें क्या क्या चाहिए हमें मैसेज चाहिए सेंडर चाहिए रिसीवर चाहिए कोई बीच में ज़रिया भी चाहिए जिसके थ्रू मैसेज भेजा जा सके फिर इनकोडिंग डी भी करनी पड़ती है उसके बाद हमने यह देखा कि सिग्नल्स कितनी तरह के होते हैं डिजिटल एंड एनालॉग और डिजिटल में या तो चीज़ें ऑन होती हैं या ऑफ होती हैं दरमियान वाली बात नहीं है जबकि एनोलाग में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं आ, किसी भी पॉइंट पर और बुक में तो आपके पास ये इतना सही बताया गया तो so, ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपने इनको दोबारा से किताब पे भी देख लेना है अगर आपको लेक्चर में किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन थी कोई वॉइस प्रॉब्लम था तो आप लेक्चर को री वॉच कर सकते हैं मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा टीम्स पे भी एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी और अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें जी एम्पलीट्यूड कहते हैं वन सेकेंड मैं आपको बताता हूँ जो आपके पास वेव होती है ना कोई भी सिग्नल आपके पास होता है ठीक है ये आपके पास एक वेव है ये एक सिग्नल है ठीक है अब इसमें जो आपके पास लहर होती है उसकी जो ऊंचाई होती है दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड और दो लहरों के बीच का जो फासला होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ठीक है तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है Uh, ये बस इतनी सी है इसकी यही कुछ डेफिनेशन है इससे ज़्यादा आपने करनी भी नहीं है सो नेक्स्ट इन ताला हमारा कल लेक्चर होगा और उसमें हम नेक्स्ट टू टॉपिक्स पढ़ेंगे uh, आप लोगों ने अगर कोई भी और क्वेश्चन करना हो पी टी थ्री से रिलेटेड या कुछ और तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं इनशाला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी अल्लाह हाफ़